Okay, so we know that Telnet is not secure, right? So, but question is, इसको प्रूव कैसे करें? So, मैं यहाँ पे दो राउटर्स यूज कर रहा हूँ GNS वर्चुअल एनवायरनमेंट में, और मैंने यहाँ पे IP एड्रेस पहले से असाइन कर रखे हैं इस राउटर में 10.1 एंड इसमें 10.2। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R2 से Telnet करूंगा R1 को, और इसके बीच में हम इसमें वर्कशार्क की हेल्प से पैकेट को कैप्चरिंग कर सकते हैं, राइट? So, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यूजर्स क्रिएट कर देता हूँ आर1 में, और आर2 से मैं आर1 को टेलनेट करूंगा, राइट? सो दिस इज आर1 राउटर, सो लेट्स जस्ट क्रिएट ए यूजर्स। सो पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ नेटवर्क CCI, और वर्चुअल लाइन्स क्रिएट करते हैं, लाइन PTY0 एनी नंबर यू कैन यूज, और यहाँ पे हमें देना होगा लॉग इन लोकल एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या करता हूँ, इसके जो बीच में जो लिंक है इसको मैं कैप्चर कर देता हूँ वर्कशॉप की हेल्प से। ओके, सो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और R2 से R1 को टेलनेट लेते हैं। Definitely, we can do a telnet. So he's asking about the username. So username is John, and password is network CCI. Okay, so let's go for Wireshark, and you can select any telnet packet and go for follow and TCP string. You can see username and password. So, how simple is that, right? So, any protocol which is not secure, you can capture the packet of that protocols. Thanks for watching.